Hello students, welcome to Panacea's online platform. How are you all? I hope you all are pretty well and preparing for your exam. Education is the only one which is always with you in any circumstances. Even if you can't reach to it, it reaches to you by itself. That's why Panacea is providing you enormous number of video lectures, online live classes, detailed notes, MCQs and career guidance at your home, so that you don't stop your learning and focus on your exam. Just see, you have to focus on your exam because you have to achieve your goal that you are preparing for. So keep it in mind that we should remove all the barriers and we should reach our goal. Without wasting any further time, let us start with our today's discussion on inclusive education. In today's lecture, we are going to discuss about inclusive education as a part not only of our CTET exam, but as a part of our daily life experiences. So students, let us start with inclusive education. Inclusive education teaches you that it is the environment, not the child, that need to change. कि देखो, आप जब एक क्लासरूम के अंदर होते हो एज अ टीचर, आप अपने सामने डाइवर्स नीड्स वाले स्टूडेंट्स को देखते हो. सबकी बहुत सारी अपनी नीड्स हैं, ठीक है? तो आपको हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को बदलना होगा, ना कि आप बच्चे को बदल सकते हो. क्लियर हो रहा है? आप उसकी एबिलिटीज को, उसके पोटेंशियल को मॉडिफाई कर सकते हो, बट इन्वायरमेंट उनको उनके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करोगे. क्लियर हो रहा है? तो हम इसको बहुत अच्छे से आज समझने वाले हैं. इस लेक्चर के अंदर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को समझेंगे, ठीक है, प्लस इसके नीड एंड इम्पॉर्टेंस को समझेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे. क्लियर है? और कुछ चैलेंजेस जो टीचर को फेस करने पड़ते हैं जब वो अपने क्लासरूम के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लीमेंट करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? देन इन अदर वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट एड्रेसिंग द नीड ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड चिल्ड्रन, ठीक है? मतलब जो डाइवर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है या फिर जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं उनकी डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग. क्लियर है? हम उन सारी डिसेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो मतलब कोई बॉडी से रिलेटेड फिजिकल डिसेबिलिटी है, हम सभी डिसेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी अलग नीड्स होती हैं. तो नेक्स्ट वीडियोज में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ताकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए. क्योंकि सीटेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीटेट एग्जाम में 5 मार्क्स का तो ये जो टॉपिक है वो इंक्लूड है. क्लियर है? तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है और अच्छे से लेक्चर को सुनना है. तो स्टार्ट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को, ठीक है? तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले एक वर्ड यूज करते हो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, है ना? कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है बेस्ड ऑन देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कम्युनिटी, क्लियर, जेंडर इवन इफ, ठीक है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे आर्टिकल्स में इस चीज़ को बताया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एजुकेशन सबके लिए है, ठीक है? तो हमें सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. क्लियर है? क्योंकि हर बच्चे का राइट है, इट इज़ द फंडामेंटल राइट. जो एजुकेशन है ये हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन लेना. क्लियर है? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्लस इसके जो वेरियस आर्टिकल्स हैं उसके अंदर बताया गया है कि जो एजुकेशन है इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन. क्लियर है? तो नेक्स्ट बात करते हैं हम. सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन को समझने के लिए हम समझते हैं कि बच्चों की नीड क्या है, ठीक है? हमें ये समझना होगा कि कौन से बच्चों की स्पेशल नीड होती है, दैट इज़ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. हम क्या सोचते हैं कि वही चिल्ड्रन हैं जिनकी स्पेशल नीड है जो किसी ना किसी तरीके से डिसेबल्ड है, राइट? चाहे वो विजुअल डिसेबिलिटी है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या फिर वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, या फिर लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, किसी भी तरह की अगर डिसेबिलिटी है ना, तो वही बच्चा होगा जिसको स्पेशल एजुकेशनल नीड की ज़रूरत है. बट वी शुड नो दैट सिर्फ वही बच्चा नहीं है जिसको स्पेशल एजुकेशनल नीड की ज़रूरत है. इसके अलावा जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो भी कौन से हैं? चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड.
क्लियर हो रहा है, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, स्ट्रीट चिल्ड्रन हो, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स को बिलोंग करते हो, क्लियर है, सोशल कन्फ्लिक्ट्स मतलब सोशल कन्फ्लिक्ट्स हो उनमें, ठीक है, या फिर एथनिक या रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये सब वो हैं जिनको स्पेशल एजुकेशनल नीड की ज़रूरत है, ठीक है, हम सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को नहीं कंसिडर करेंगे आपसे, ओके। देन कम टू, थोड़ा सा और समझते हैं, आप स्पेशल नीड को क्या समझते हो? स्पेशल नीड वही बच्चा है जो एवरेज चाइल्ड से डिफरेंट है, एम आई राइट? ठीक है, अ चाइल्ड हु हैज एबिलिटीज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज चाइल्ड। फिर वो उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, उसके रीजंस उसकी डिसेबिलिटी हो सकती है, उसका बैकग्राउंड हो सकता है, डिप्राइव्ड कम्युनिटी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, बट वो एवरेज चाइल्ड से डिफरेंट एबिलिटी वाला है, हम उसे कंसिडर करेंगे स्पेशल नीड के अंदर, क्लियर हो रहा है। देन इसके बाद आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ना कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड है, हम उन फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, आपको मैं स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स शो कर रही हूँ, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इन पॉइंट्स को रिमेंबर करना होगा कि इनमें इन, इन कि ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस है, यू हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स, ओके। फर्स्ट इज द राइट टू एजुकेशन इज अ बेसिक राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन, आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन लेना हर बच्चे का राइट है, ठीक है, अधिकार है उनका, इससे आप उनको पीछे नहीं रख सकते हो, क्लियर हो रहा है। देन एवरी चाइल्ड मैटर्स एंड हैज यूनिक नीड एंड पोटेंशियल, हर बच्चा मैटर करता है और हर बच्चे की यूनिक नीड्स हैं, ठीक है, जिनको हमें ध्यान में रखना है, जिनको हमें फोकस करना है, जिनको रिमूव करना है, ठीक है, जिनको फुलफिल करना है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देन थर्ड इज ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न एंड हैव द राइट टू बिलोंग टू मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड दे आर द रेगुलर स्कूल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जिसके अंदर हर बच्चा इन्वॉल्व है, एक ही क्लासरूम के अंदर हर तरह का बच्चा बैठकर एजुकेशन ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बताया गया है, इसका बेस क्या है कि हर चिल्ड्रन लर्न कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वही बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं जो हर तरह से एबल्ड है, ये ज़रूरी नहीं है, चाहे बच्चे जिस तरह से मर्जी डिसेबल्ड हों बट फिर भी उनके अंदर पोटेंशियल होता है लर्निंग का, ठीक है, तो हर चाइल्ड लर्न कर सकता है और हर बच्चे को ये राइट है कि वो एक ही सोसाइटी के अंदर रहकर एजुकेशन ले, एक ही रेगुलर क्लासरूम के अंदर बैठकर सबके साथ एजुकेशन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू अंडरस्टैंड द बैरियर्स ऑफ लर्निंग, ये एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपने को किस तरह मॉडिफाई करना है, अपने आप को किस तरह चेंज करना है ताकि वो बच्चों के आगे जो लर्निंग बैरियर्स आ रहे हैं उसको रिमूव कर सके, उसे अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, उनकी नीड्स को रिकॉग्नाइज कर सके, प्लस उनको सॉल्व करने में अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर सके, क्लियर है। जैसे मैंने बिल्कुल पहला थॉट बोला था, एक कोट बोली थी, दैट इज कि इट इज़ द इन्वायरमेंट नॉट द चाइल्ड दैट नीड टू चेंज, तो ये बिल्कुल इस पर अप्लाई हो रही है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम कि उन्हें हर बच्चे को, ईच एंड एवरी चाइल्ड, चाहे उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, किसी डिप्राइव्ड कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, कोई भी चीज़ उसके अंदर डिफरेंट है एवरेज चाइल्ड से, हर किसी को क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड करनी है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मैटर्स इन इंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रॉपरली हर जगह अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके अंदर सिर्फ बच्चा और टीचर नहीं इंक्लूड होता, इसके अंदर कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर हो रहा है, क्योंकि बच्चे ने तो सोसाइटी के अंदर जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बेस है इंक्लूसिव एजुकेशन का। देन समझते हैं कि वॉट इज एक्चुअल इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्चुअल में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो इस सभी से हमें क्या पता चला, दस इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ प्रोसेस टू ब्रिंग ऑल स्टूडेंट्स टूगेदर इन वन क्लासरूम, ये कैसा प्रोसेस है जिसमें हर बच्चे को एक ही सिंगल क्लासरूम के अंदर लाया जा रहा है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रेंथ देयर वीकनेस, ठीक है, कुछ भी लिमिटेशंस हो उनकी उस पर फोकस नहीं है, ठीक है, उन्हें एक ही क्लासरूम के अंदर बिठाया जा रहा है और एजुकेशन दी जा रही है और उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जा रहा है, ठीक है। और क्या कह सकते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट है जो बच्चे की फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट
पे फोकस करता है कि बच्चे की, हर बच्चे की प्रोफेशनल, एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, क्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, ठीक है, यानी कम्युनिटी, इस पे फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है, मतलब बच्चों को इंटीग्रेट करने की बात की गई है। तो एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स देखते हैं, जैसे सबसे पहले था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया था कि इंटीग्रेट करना है बच्चों को जो स्पेशल नीड के हैं, ठीक है, जो भी चिल्ड्रन हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है उन्हें क्या करें, एक साथ किया जाए, ठीक है। देन आया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1997 के अंदर, इन्होंने माइल्ड और मॉडरेट जो चिल्ड्रन थे, क्लियर है, जिनको माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रन थे उनको इंटीग्रेट करने की बात की थी। देन आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान 2001, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है कि एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल, दैट इज फॉर ऑल, हर किसी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, कोई भी रहना नहीं चाहिए पीछे, ठीक है। इनके अंदर मेनली तीन पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे। फर्स्ट है आपका 6 to 14 ईयर्स तक के जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन देनी कंपलसरी है, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या था कि अगर कोई भी बच्चा आपके पास आ रहा है, आप जीरो नहीं, आप उन्हें मना नहीं कर सकते हो, दैट इज जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात की थी इन्होंने, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया था, थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला था कि एजुकेशन जो भी प्रोवाइड करे इट शुड बी क्वालिटेटिव और ये सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी रेस, कलर, कार्ड, क्रीड, एनी डिसेबिलिटी, एनी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं, आप किसी को भी मना नहीं कर सकते हो एजुकेशन लेने के लिए। फिर इसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर बात की गई थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है। देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013, इसमें बेसिकली इसके अंदर आकर डिसेबल्ड बच्चों को एक सिंगल क्लासरूम में एबल्ड बच्चों के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था, ठीक है, एक रेगुलर क्लासरूम के अंदर डिसेबल्ड बच्चों को भी एक साथ बिठाया गया था एबल्ड बच्चों के, ठीक है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के थ्रू ये हुआ था इम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम नीड एंड इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन रियली वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिस भी बच्चे ने बर्थ लिया है उसने बाय बर्थ तो ये नहीं सोचा था ना कि वो डिसेबल्ड होगा तो वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा। देखो भगवान ने एबिलिटीज तो सबके अंदर डालकर भेजी है, ठीक है, चाहे अगर उसके अंदर एक डिसेबिलिटी है तो उसके अंदर दूसरी चीज़ थोड़ी ज़्यादा पोटेंशियल में होगी, क्लियर हो रहा है, उसके अंदर दूसरी चीज़ के लिए ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो आप किसी भी बच्चे को एजुकेशन लेने के लिए मना नहीं कर सकते हो, एवरी वन कैन लर्न अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हर बच्चा लर्न कर सकता है, ठीक है, कम या ज़्यादा इट डिपेंड्स उसकी एबिलिटी क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, बट आप ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो वो लर्निंग नहीं कर सकता, क्लियर है। तो इसके नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग ईच स्टूडेंट इज यूनिक, एज यू नो एज अ टीचर यू नो कि हर बच्चे की एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, हम चाइल्ड डिवेलपमेंट में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज़ की, ठीक है, कि हर बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट पोटेंशियल है, डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, हर बच्चा यूनिक है, ठीक है। तो हर बच्चे की यूनिकनेस को वैल्यू देना ही टीचर का काम है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हर बच्चे के आइडियाज़ को, उसकी पोटेंशियल को, उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट दे सकें, उसको वैल्यू दे सकें, ठीक है। देन थिंक अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, हमें सिर्फ उन बच्चों पे फोकस नहीं करना है जो एबल्ड चिल्ड्रन है, जो कर सकते हैं, वी शुड फोकस ऑन दोज चिल्ड्रन जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनकी कुछ स्पेशल नीड है, वी शुड फोकस ऑन देम ऑल्सो, ठीक है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर दोनों तरह के बच्चे बैठे, डाइवर्स बच्चे बैठे हैं उसके अंदर, सबकी अपनी अपनी नीड है, तो हमें हर बच्चे को ध्यान में देना है, उसी बच्चे को भी ध्यान में रखना है जिस बच्चे की कुछ स्पेशल नीड है, ठीक है। उसकी नीड को हमें उसके गोल तक पहुंचाने में, उसके आगे जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उसको रिमूव करने में हमें हेल्प करनी है, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट्स टू सक्सीड एंड अचीविंग देयर गोल्स, ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सकें, एजुकेशन वो ले सकें, और उनको कोई भी बैरियर आ रहे हैं तो उसे रिमूव करना इंक्लूसिव एजुकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंस है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंक्लूड ऑल स्टूडेंट्स. इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कोई भी रिजेक्टेड नहीं है, हर तरह का बच्चा इसके अंदर बैठ सकता है. उसके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो एक साथ रेगुलर क्लासरूम के अंदर बैठ सकते हैं. इससे क्या होता है कि देखो, जो डिसेबल्ड बच्चा होगा ना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डिवेलप होगा, है ना. ऐसे ही होगा ना, वो अपने आप को भी दूसरों की तरह नॉर्मल चाइल्ड समझेगा, ठीक है. चाहे सोसाइटी उसके बारे में जो मर्जी कहे, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएगा, उसे इम्प्रूव कर पाएगा जब वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठेगा क्लासरूम के अंदर, वो भी एक ही छत पे. अगर आप उन्हें सेग्रेगेट कर दोगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. इंक्लूसिव एजुकेशन सेग्रेगेशन को कभी भी प्रमोट नहीं करता है, वो इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, ठीक है. सेग्रेगेट करना इंक्लूसिव एजुकेशन का काम नहीं है. सेग्रेगेट करोगे तो बच्चे अपने आप को हमेशा इंफीरियर फील करेंगे. जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे या जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, वो अपने आप को हमेशा इंफीरियर समझेंगे. अगर वो एक साथ सबके बीच में बैठेंगे तो अगर उनकी कोई नीड्स होगी, उनके अंदर अगर कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. एक अच्छे सिटीजनशिप वो बन सकते हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ अच्छी डिवेलप हो सकती हैं. सो वी शुड प्रमोट इंटीग्रेशन एंड नॉट सेग्रेगेशन. नेक्स्ट इज डिवेलप बेटर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर. ऑब्वियसली जब एबल्ड डिसेबल्ड मतलब हर तरह के बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो वो सोशल रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन मेकिंग स्टूडेंट्स सेल्फ रिलायंट. इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे को ये रियलाइज करवाए कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी हेल्प खुद कर सकता है, ठीक है. सेल्फ रिलायंट मतलब वो हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड ना रहे, वो अपने ऊपर डिपेंड रहे, वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करे, अपने आप की डिवेलपमेंट वो खुद कर पाए. क्लियर हो रहा है. तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत हेल्पफुल है किस चीज़ के लिए, बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, कि वो बिल्कुल अपने आप पे ही जो डिपेंड है वो रह पाए. क्लियर है. देन अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह के बच्चे इन्वॉल्व हैं, हर तरह के बच्चे एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो इनके अंदर सोशल इक्वालिटी की जो भावना है वो पैदा होगी, ठीक है. हम कितनी बात करते हैं सोशल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, हर तरह की बात करते हैं, कब आएगी? जब हर तरह के बच्चे एक क्लासरूम के अंदर बैठेंगे. हम जब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बच्चे को ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, देयर कास्ट, देयर रिलीजन, देयर कम्युनिटी, देयर लैंग्वेज, ठीक है, देयर डिसेबिलिटी, अगर हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे बच्चे की नीड पे कि बच्चे को क्या चाहिए, उस पे फोकस करेंगे, तब आएगी सोशल इक्वालिटी. और इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन अपना बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप. अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं, तो अगर बच्चे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, सोशल इक्वालिटी को समझेंगे, क्लियर हो रहा है, हेल्पफुल बनेंगे, तो उससे क्या होगा, वो आगे जाकर बड़े होकर जब वो सोसाइटी में जाएंगे, तो बहुत गुड सिटीजन्स वो बन पाएंगे, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे फिर वो. नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से ही जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत बेटर होती है. क्लियर हो रहा है. एज कम्पेयर अगर उन्हें सेग्रेगेट कर देंगे, अगर उन्हें सेग्रेगेट करेंगे तो उससे उनकी डिवेलपमेंट नहीं हो पाएगी प्रॉपरली. वो हमेशा अपने आप को नॉर्मल चाइल्ड से कुछ डिफरेंट मानेंगे, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं समझना है. क्लियर है. नो डाउट उनकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, बट एजुकेशन तो सबके लिए सेम है, ठीक है. एटीट्यूड ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर, ठीक है. तो देखो, अगर वो एक साथ सबके बीच में बैठे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन मिल रही है, ठीक है, तो उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आती है. जब टीचर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखो, टीचर शुड अडॉप्ट दोज एक्टिविटीज़ जिसमें वो हर बच्चे को इन्वॉल्व कर सके. तो अगर ऐसा होगा तो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए. क्लियर हो रहा है. तो वी शुड फोकस कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाए, इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि उनके अंदर हमेशा मोटिवेशन अराइज हो, इंटरनल मोटिवेशन. हमने पढ़े थे ना मोटिवेशन के चैप्टर के अंदर, दो तरह की मोटिवेशन थी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चों में डिवेलप हो सके. क्लियर है. नेक्स्ट, एक्नॉलेजेस दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू लर्न. टीचर शुड एक्नॉलेज कि हर बच्चे की एबिलिटी है लर्न करने की, हर बच्चा लर्न कर सकता है. क्लियर है. नो डाउट उनके पोटेंशियल्स डिफरेंट है, मैं हर बार कहती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी लर्न नहीं कर सकता. हर बच्चा लर्निंग कर सकता है अपने खुद के वे के अकॉर्डिंग. तो अगर हम डिस्कस करें प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन,
तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, प्लस आपके डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी आपको बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन. टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन. ठीक है, हर बच्चा इक्वल ही है. उसकी कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल एबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, बट उसकी डिसएबिलिटी या फिर वो किसी डिप्राइव्ड कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, किसी डिफरेंट लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है. वी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. क्लियर है? अगर किसी को स्पेशल नीड की ज़रूरत है तो उसे स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए. क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए है. क्लियर हो रहा है? इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है कि टीचर, एज अ टीचर, टीचर के लिए हर बच्चा इक्वल है. एज अ टीचर यू शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. आपको वही एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिससे आप हर बच्चे को कंसीडर कर सको और हर बच्चे उसका रिस्पॉन्स कर सके. क्लियर हो रहा है? ठीक है, देन रेकोगनाइज एंड रिस्पॉन्ड टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर को सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट की नीड को रेकोगनाइज करना है, प्लस उसे रिस्पॉन्ड करना है. रेकोगनाइज कर लिया आपने, आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे को क्या नीड है, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत है, बट उसका रिस्पॉन्स करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके बैरियर को रिमूव कर सको, आप उसको रिस्पॉन्स कर सको कि ठीक है, जो भी उसकी नीड है आप उसको फुलफिल कर सको. दिस इज़ दी पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी टीचर. देन क्रिएटिंग कल्चर ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन. अगर तो एवरेज बच्चा है, ठीक है, तो आप उसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है, कि वो इस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर लेगा. बट अगर वो एवरेज बच्चा नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है या वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, कुछ भी ऐसा है, ठीक है, स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो आप उसे एक्सपेक्टेशन ही रखते हो. ऐसे ही होता है ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन हर बच्चे से होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा लर्न कर सकता है. हर बच्चे के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है. किसी बच्चे में कोई एबिलिटी ज़्यादा अमाउंट में होगी और किसी में कोई और होगी, ठीक है, बट हर बच्चा एजुकेशन ले सकता है और हर बच्चे का पोटेंशियल कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, जिससे वो हर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको ऐसा कल्चर क्रिएट करना है अपने क्लासरूम के अंदर, इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, जिसमें टीचर हर किसी से एक्सपेक्टेशन रख सके. उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डिवेलप होगा कि वो भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. टीचर शुड रिमेंबर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन नेगेटिव वे, ठीक है. टीचर को इस चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से ध्यान में रखना है कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देयर आर डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. हर किसी की डाइवर्स नीड है, डाइवर्स कैपेबिलिटीज़ हैं, डाइवर्स एबिलिटीज़ हैं. टीचर को इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे से ध्यान में रखना है कि हर बच्चे की नीड पूरी होनी चाहिए. अगर हर बच्चे को किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत है तो टीचर शुड प्रोवाइड टू दैट. क्लियर हो रहा है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपको हर किसी से एक जैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है. एक्सपेक्टेशन सबसे रखो, बट किसी से आप कम रख सकते हो, किसी से ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है, किसी, बट आपने ये ध्यान नहीं देना है कि हर बच्चा एक जैसा ही है और एक जैसा ही परफॉर्म करेगा. हर बच्चा अपने तरीके से, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग बैरियर इन लर्निंग. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स कि वो बच्चे की बैरियर्स को रिमूव कर सके. हाउ? देखो, टीचर जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ कर सकता है. अगर कोई विजुअल इम्पेयर बच्चा है या हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो हम उसको उस तरीके के असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, ICT मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है? कुछ और चीज़ें हम यूज़ करके बच्चे को लर्निंग में जो भी बैरियर्स फील हो रहे हैं हम उसे रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिस्पेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग लर्नर. ठीक है, हर बच्चे को रिस्पेक्ट और उसकी एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. टीचर शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड एंड शुड एक्सेप्ट द यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, हर बच्चे की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट भी करनी है और उसे एक्सेप्ट करना है इन अ पॉजिटिव वे, ताकि वो अपनी उन पोटेंशियल को मैक्सिमम पीक तक लेकर जा सके, ठीक है, मैक्सिममली उसको डिवेलप कर सके. ठीक है, देन क्रिएटिंग लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट. टीचर शुड क्रिएट लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम. हाउ?
देखो, लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट का मतलब है जिसमें बच्चा अपने व्यू पॉइंट रख सके, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके, अपने तरीके से स्टडी कर सके, अपने तरीके से लर्निंग कर सके, क्लियर है, जिस अकॉर्डिंग उसका जो इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस कर सके। तो इस तरह का लर्निंग फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके, उसको सॉल्व करने के लिए अपने आइडियाज दे सके। तो इस तरह का लर्निंग फ्री एनवायरनमेंट टीचर को रखना है इंक्लूसिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड मल्टीपल लर्निंग अप्रोच। टीचर शुड यूज़ फ्लेक्सिबल एंड मल्टीपल लर्निंग अप्रोच। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर एक ही मेथड को यूज़ करता जा रहा है सारे बच्चों के लिए, ठीक है, मेथड्स में वेरिएशंस आ सकती हैं, जिस मेथड में बच्चा कंफर्टेबल है टीचर को वो मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो मेथड में जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी है उसमें वेरिएशंस लानी चाहिए, प्लस उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप कोई टेस्ट ले रहे हो तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई एक्टिविटी करवा रहे हो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्लियर है, ताकि बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें और उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डिवेलप हो, उनके अंदर एक मोटिवेशन डिवेलप हो, रादर कि वो अपने आप को इन्फीरियर समझे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस। ये मैं आपसे क्लियर कर चुकी हूँ कि टीचर को असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है या कोई बैरियर किसी भी तरीके से आ रहा है वो उसको उससे फ्री हो सके, उसको रिमूव कर सके, ठीक है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना सके, अपने आप को दूसरों के साथ बराबर समझ सके, ठीक है। देन टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर शुड behave as a facilitator which provide facilities to the student by considering the need of each and every child, clear hai, har bache ki need ko consider karte hue usko us tarah ki facilities provide karni chahiye. Next is connect knowledge to real life experiences. टीचर को जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ चल रही हैं या जो भी आप लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हो उसको बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करना है, ठीक है, ताकि सोसाइटी के अंदर जाकर वो अपने वर्ड्स को रख सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर सके रियल लाइफ में भी, नॉट ओनली इन थ्रेटिकल सेंस और इन जस्ट क्लासरूम, ठीक है। टीचर जो है वो बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि बच्चे वोकेशनली एफिशिएंट बन सकें, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे इंक्लूसिव एजुकेशन के। नेक्स्ट आ जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इंक्लूसिव एजुकेशन का है, कि ये नहीं है कि सिर्फ हम बच्चे को लर्निंग दे रहे हैं इन अ बेटर वे, ठीक है, इन मोर इफेक्टिव वे, बट वी शुड असेस देम ऑल्सो, ठीक है, वी शुड इवेलुएट एंड असेस दी चाइल्ड। इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो, इवेलुएशन, टीचर को जो इवेलुएशन है वो एक रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करनी चाहिए, कि बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है ना क्लासरूम के अंदर, तो हर चीज़ में टीचर को इवेलुएट करना है। उससे क्या होगा, उससे टीचर को पता चलेगा कि बच्चे की नीड क्या है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, टीचर उसको नहीं समझ पाती, तो टीचर को बच्चे की रूटीन जो एक्टिविटीज़ हैं डेली एक्टिविटीज़ में इवेल्युएशन करनी चाहिए, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स ग्रोथ। इवेल्युएशन सिर्फ एक एस्पेक्ट की नहीं होती, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इवेल्युएशन में बच्चे के हर एस्पेक्ट आ जाएंगे, उसका मेंटल, सोशल, इमोशनल, ठीक है, वो किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हर चीज़ में बच्चे की जो इवेल्युएशन है वो करनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। देन लाइक मैंने नीचे आपको बताया हुआ, लाइक इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, पर्सनल, सोशल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, हर तरह का जो एट्रीब्यूट है वो कंसीडर करना चाहिए इवेल्युएशन के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो ये तो था सारा इंक्लूसिव एजुकेशन, अब हम इसके अंदर आगे स्टडी करेंगे कि हम किस तरह बच्चे के डाइवर्स नीड्स को फोकस करेंगे, ठीक है, प्लस हम उनकी डिसेबिलिटी को कंसीडर करते हुए अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करेंगे, ठीक है, प्लस जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी नीड क्या है, हम हर तरह की नीड को डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली डिफरेंट वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो अभी आ जाता है कि आप किस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हो, और इम्प्लीमेंट करते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस फील होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ एडिक्वेट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन अपनी क्लासरूम के अंदर लेकर आते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा फील होता है कि देयर आर सम रिसोर्सेज जो अवेलेबल नहीं होते हैं आपके आसपास, क्लियर हो रहा है, एडिक्वेट रिसोर्सेज की कुछ कमी रहती है बहुत टाइम, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को फोकस करना है कि हम नॉर्मली जो हम डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हम उनको यूज़ करते हुए बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको बढ़ा सकें, ठीक है, हम उन्हें मोटिवेट कर सकें, हम इस तरह प्यारे प्यारे वर्ड्स उन्हें कह सकें जिससे वो मोटिवेट हों,
ज़रूरी नहीं हमें बड़ी बड़ी असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत है, ठीक है। टीचर खुद एक असिस्टिव डिवाइस है जो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को प्रोवाइड कर सकता है, एक ही नॉलेज को वो कई तरीके से बच्चे को प्रोवाइड कर सकता है उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देन नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर, ऐसा होता है ना बहुत बारी कि टीचर का ही नेगेटिव एटीट्यूड होता है, अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसकी डिसेबिलिटी की वजह, किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से वो उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, तू तो कर ही नहीं सकता है, ऐसे यूजुअली टीचर सोचता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा इक्वली रिस्पॉन्स करेगा, हर बच्चे की एबिलिटीज डिफरेंट है, ये आप अच्छे से समझ चुके हो, क्लियर है। तो टीचर का कभी भी एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये होता है तभी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रॉपरली डिवेलप नहीं हो पाता, क्लियर है। नॉट ओनली टीचर, कम्युनिटी का हो सकता है, नॉन डिसेबल्ड पीयर ग्रुप जो उसके आसपास है उनका हो सकता है, उनके पेरेंट्स का हो सकता है। लाइक अगर एक ही क्लासरूम के अंदर डाइवर्स बच्चे बैठे हैं ना, अलग अलग तरह के जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं, तो जो नॉर्मल चाइल्ड होगा ना उनके पेरेंट्स आके कंप्लेन करना समटाइम्स स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि हमारे बच्चे के साथ आप उनको क्यों बिठा रहे हो, तो पेरेंट्स का तो नेगेटिव एटीट्यूड है। इससे क्या होगा, बच्चा अपने आप को इन्फीरियर समझेगा, वो अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स नहीं बना पाएगा, ठीक है। देन प्रोक्योरिंग एंड रिसोर्सिंग फॉर असिस्टिव डिवाइसेस, जहाँ तक हो सके असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करने में ही बहुत दिक्कत आती है टीचर्स को, क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को और टीचर्स को भी, ठीक है। प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे चलाने चाहिए जिसमें हम टीचर्स को असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नॉलेज दे सकें, क्लियर है। तो ये कुछ चीज़ें थी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ तक के टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे शो है, दैट इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से इंक्लूसिव क्लासरूम है। फर्स्ट इज देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। सेकेंड, टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसिस फॉर एवरी लर्नर। थर्ड, असेसमेंट आर रिपीटेड टिल द टाइम एवरी लर्नर अचीव्स मिनिमम ग्रेड। फोर्थ वन इज टीचर्स टीच फ्रॉम ओनली प्रिस्क्राइब्ड बुक्स टू लिसन द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस है, क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट हो सकता है। यस, इट इज बी, दैट इज टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर। अब मैं एक बार आपको सारे पॉइंट्स बताती हूँ। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन वो नहीं है जिसमें सिर्फ ये देखा जाए कि बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है, ये उसका पार्ट है बट सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट था आपका, असेसमेंट आर रिपीटेड टिल द टाइम एवरी लर्नर अचीव मिनिमम ग्रेड। इंक्लूसिव एजुकेशन में इस चीज़ पर नहीं बिल्कुल भी ध्यान दिया जाता कि आपको तब तक असेसमेंट करनी है जब तक बच्चा मिनिमम ग्रेड ना ले ले, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर टीच फ्रॉम ओनली प्रेस्क्राइब्ड बुक्स टू लेसन द बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ कुछ टेक्स्ट बुक्स पे ही फोकस करें ताकि बच्चों का जो बर्डन है वो कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंक्लूसिव एजुकेशन वही है जिसमें टीचर क्रिएट करे डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है कि हर बच्चे को देखते हुए डाइवर्स तरह का मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड की जाए जो हर बच्चे के लिए हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट इज, रिसर्च हैज पॉइंटेड आउट दैट सेवरल लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन द स्कूल। मतलब रिसर्चर्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि स्कूल में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल में इनमें से कौन सी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, मैनी टीचर्स यूज ओनली लेक्चर मैथड टू टीच। देन टीचर्स हैव लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। देन दलित चिल्ड्रन आर मेड टू सिट सेपरेटली ड्यूरिंग मिड डे मील्स। देन गर्ल्स आर नॉट एनकरेज टू टेक अप मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी ऐसी पॉइंट है जिसमें अपर प्राइमरी लेवल में आकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। दैट इज ए ऑप्शन, यू आर करेक्ट आई थिंक, आपको आंसर इसका पता चल गया होगा, ठीक है। इसका आंसर है ए, दैट इज मैनी टीचर्स यूज ओनली लेक्चर मैथड टू टीच, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर सिर्फ लेक्चर मैथड यूज कर रही है बट इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, वो सबके लिए है, क्लियर हो रहा है। बट अगर हम बात करें पॉइंट बी के लिए,
ऑप्शन बी में आपको बोला टीचर हैव लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन हु हैव लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. ऐसा तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, जिनका लो इकोनॉमिक स्टेटस है टीचर उसके लिए उससे कम एक्सपेक्टेशन रख रही है, ये तो गलत है. मैंने बताया था हर किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी है. थर्ड इज दलित चिल्ड्रन को सेपरेटली बिठाया जाता है मिड डे मील के टाइम पे, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन कि उनकी कम्युनिटी के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. फोर्थ वन इज गर्ल्स आर नॉट इनकरेज टू टेक अप मैथ साइंस सब्जेक्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत गलत है ये तो. ठीक है, क्यों, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही बेटर है हर चीज के अंदर. ठीक है, देन थर्ड इज द रैशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज दैट सोसाइटी इज हेट्रोजीनियस एंड स्कूल्स need to be inclusive to cater to heterogeneous society. Second is the benchmarks for performance of each child should be uniform and standardized. Third is we need to take pity on special children and provide them access to facilities. And fourth one is it is not cost effective to provide for separate schools for special children. तो आपको क्या लगता है इसका correct option क्या है? That is first. देखो इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे इसका मेन पर्पस क्या है, सोसाइटी हेट्रोजीनियस है, एम आई राइट, कि बहुत डाइवर्सिटी है, तो स्कूल को इंक्लूसिव बनाना है ताकि वो उस हेट्रोजीनियस सोसाइटी को कैटर कर सके, क्लियर है, उन्हें एक साथ कर सके. दिस इज दी पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नॉट कि उसमें क्या है, जैसे बी ऑप्शन में आपको बताया गया है द बेंच मार्क फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चाइल्ड को इक्वली ही आप इवेलुएट कर रहे हो, हर चाइल्ड की परफॉर्मेंस एक जैसी ही होगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है. ठीक है, कि हमें सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रखने पड़ेंगे उनकी इवेल्यूशन करने के लिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंट होता है. थर्ड इज वी नीड टू टेक पिटी, हमें पिटी नहीं करनी है स्पेशल चिल्ड्रन में, दे हैव एबिलिटीज, ठीक है, उनके अंदर भी पोटेंशियल है, क्लियर है, तो ये भी बिल्कुल गलत है सी पॉइंट. थर्ड क्या है, इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोवाइड फॉर सेपरेट स्कूल, हमें सेपरेट स्कूल नहीं करने, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का काम सेग्रेगेट करना नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन का काम क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, सेग्रेगेट करना नहीं है. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज, टीचर का क्या रोल होगा इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर. फर्स्ट इज टू एंश्योर दैट द टीचर गिव्स स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू द क्लास. Second, to find out the occupation of parents of children so that teacher know what each child's future occupation would be. Third is to ensure that every child gets an opportunity to realize her potential. Fourth is to plan for the class so that every child progresses at the same pace. तो क्या हो सकता है इसका correct option? That is, it is C. देखो एक बार, अ टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू एंश्योर कि हर चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए, कि उन्हें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है, कितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो ये टीचर का रोल है, ना कि ये है कि वो बच्चे को स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे, सबके लिए एक जैसी नहीं है, क्लियर है. ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चे के पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को जाने और बच्चे का भी वही ऑक्यूपेशन होगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता. ठीक है, बहुत रेयर चांस ऐसा होता है, बट ज़रूरी नहीं है, क्लियर हो रहा है. ठीक है, और सेम पेस पे तो बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर सकता, हर बच्चा अपने वे पे प्रोग्रेस करेगा. ठीक है, उसके अंदर अपनी पोटेंशियल है तो उस अकॉर्डिंग वो प्रोग्रेस कर पाएगा. तो टीचर का फोकस क्या होता है, टीचर का रोल क्या है, कि वो बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफल पर्सपेक्टिव नीड टू बी फॉलोड टू डील विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. ठीक है, इनमें से कौन सा फिलोसोफिकल प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, जो चिल्ड्रन को उसकी स्पेशल नीड से डील करने में काम आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट है दे शुड बी सेग्रेगेटेड एंड पुट इन सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सेकेंड इज दे शुड बी गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग. थर्ड इज दे हैव राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल. एंड फोर्थ वन इज दे डू नॉट नीड एनी एजुकेशन एट ऑल. प्लीज स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो आई थिंक आपको अभी एक मतलब एक बार में पता लग गया होगा. ठीक है, इसका आंसर है सी, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, कि हर बच्चे को राइट लेने का अधिकार है, क्लियर है. इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हर बच्चे को एजुकेशन लेने का अधिकार है, क्लियर हो रहा है. दे हैव राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल.
क्लियर है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एजुकेशन ही नहीं ले सकता है, या फिर उनको सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, या फिर उनको सेग्रेगेट करना है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर नहीं आता। इससे वो अपनी स्पेशल नीड से डील कर ही नहीं पाएंगे, वो अपनी डिसेबिलिटी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, क्लियर हो रहा है, वो अपने आप को सुपीरियर बना ही नहीं पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि हर बच्चा एक साथ बैठकर एजुकेशन ले सके, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, इट इज़ दी इन्वायरमेंट नॉट द चाइल्ड दैट नीड टू चेंज, कि हमें इन्वायरमेंट को बदलने की ज़रूरत है, ना कि बच्चे को बदलने की ज़रूरत है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का एक छोटा सा टॉपिक। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को डिस्कस करेंगे, डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन, क्लियर है, फिर उनकी डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनकी क्या नीड्स हो सकती हैं, फिर जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है या क्रिएटिव चिल्ड्रन है, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और अगर आप हमारा फुल कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप वो भी परचेज कर सकते हो कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी और डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, क्लियर हो रहा है। और इसके अलावा अगर आपको हमारा लेक्चर ये पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि ये हमेशा सीटेट के अंदर क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, 2 to 3 or 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम है कि आपको आएंगे, क्लियर है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स।